गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहर में हुई चोरियों पर से उठाया पर्दा। डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले सात पारदी बदमाशों को लूट के मां सहित किया गिरफ्तार। एसपी ने धनरावादा थाना मरवारी गजेंद्र सिंह मुंदेला उनकी टीम को पुरस्कृत करने का किया ऐलान। गुना शहर के नागरिकों को जागरूक होना होगा, तभी अपराध मुक्त होगा गुना शहर। मदन मोहन मालवीय, थाना मरवारी, गुना। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। जी हां, गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले में दो अलग अलग मामले में सात पारदियों को चोरी की वारदात के दो दिन के अंदर माल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने धरनावाला थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला को व उनकी टीम को पुरस्कृत करने के आदेश दिए और गुना कोतवाली थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय के द्वारा पकड़े गए बदमाशों को लेकर प्रशंसा की। गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध मुक्त गुना के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं जब पुलिस अधीक्षक से चर्चित नेहाल देवी दान पेटी चोरी के मामले में इंडिया खबर लाइव संवाददाता ने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उक्त घटना में आरोपियों का कुछ सुराग मिल गया है, जल्द ही मुख्य आरोपियों तक पहुंचेंगे। तो सर कब तक हो जाएगा इनका खुलासा? लगभग आपको गुना में आए हुए कुछ ही समय हुआ है और आपने आते से इतनी बड़ी चोरी वारदात का खुलासा किया है, वो भी कोरोना के समय पे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुना शहर की जनता आपके मार्गदर्शन में महफूज रहेगी? बिल्कुल, कोतवाली का थाना प्रभारी होना अपने आप में चैलेंज रहता है, क्योंकि मुझे इस विश्वास से मुझे भ्रष्ट किया गया है एसपी सर द्वारा। मेरा प्रयास यही है, मेरा ना केवल मेरा बल्कि हमारी पूरी टीम का प्रयास यह है कि हम बेहतर पुलिसिंग दें और लोगों में सुरक्षा की भावना आए और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए हम बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने अभी ये एक चोर गिरोह पकड़ा है और आगे भी लगातार इसी कार्रवाई होती रहेंगी। इसमें के चोरी के फरियादी ने अच्छा काम किया, उन्होंने पुलिस की मेहनत को देखते हुए उन्होंने चूँकि उनकी बाइक चोरी की बरामद की है पुलिस द्वारा, उन्होंने कैमरे लगवाने के लिए कमिट किया हुआ है